दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में हमें कई ऐसी अभिनेत्रियां देखने को मिली हैं जिन्हें अपने पति से खूब प्यार और मान सम्मान मिलता है। साथ ही वो अपने पति के साथ आज अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रही हैं और कभी भी अपने पति के गुस्से का शिकार नहीं हुई हैं। लेकिन दोस्तों, हमें टीवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी भी एक्ट्रेसेस देखने को मिली हैं जिन्होंने अपने पति की बेरहम मार झेली है और खुद रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई है। पर आखिरकार कौन कौन सी है वो एक्ट्रेसेस, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, श्वेता तिवारी। कसौटी जिंदगी की फेम एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत संघर्ष करते देखा है। जी हाँ, इन्होंने पहले पति राजा चौधरी से खूब मार खाई और फिर दूसरे पति अभिनव कोहली के साथ घरेलू हिंसा की भी शिकार हुई थी, जिनसे इन्होंने तंग आकर पुलिस में शिकायत दर्ज की और अपने बच्चों को लेकर आरोपित से अलग हो गई। नंबर 2, दलजीत कौर। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री दलजीत कौर ने एक्टर शालीन भनोट से शादी की थी। दलजीत को जब पति के साथ रहना मुश्किल लगने लगा तो इन्होंने उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा हुए पुलिस शिकायत की और अपने बेटे को लेकर उनसे दूर हो गई। नंबर 3, निशा रावल। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में एक्टर करण मेहरा ने एक अच्छे पति का फर्ज पूरा किया था। वहीं असल में इन्होंने अपनी पत्नी निशा रावल के साथ ना सिर्फ मारपीट की बल्कि उनका सर भी फोड़ दिया था, जिसका दुखड़ा खुद निशा ने सुनाया था। नंबर 4, डिम्पी गांगुली। राहुल महाजन के स्वयंवर में राहुल ने डिम्पी गांगुली को अपनी लाइफ पार्टनर चुना था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से ही दोनों के रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद डिम्पी ने पति पर शराब पीकर मारने का आरोप लगाया था। नंबर 5, मंदाना करीमी। पति की बेरहम मार खाने से तो एक्ट्रेस मंदाना करीमी भी नहीं बच पाई, जिन्होंने साल 2017 में बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से शादी की थी और शादी के 3 साल बाद ही अलग हो गई क्योंकि वो इनके साथ मारपीट और टॉर्चर करते थे। नंबर 6, रश्मि देसाई। इंडस्ट्री की बॉल्ड एक्ट्रेस रश्मि देसाई आज तलाकशुदा है क्योंकि इन्होंने भी अपने पति नंदी सिंह संधू के साथ खिलाफ आरोप लगाया था कि वो इन पर शक करते थे और इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। वेल दोस्तों, क्या आपके हिसाब से इन अभिनेत्रियों अपने पतियों के खिलाफ केस दर्ज करवा लेना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।